मगर आइए इन बदबख्तों का अकीदा तो देखिए, वो कहेंगे अल्लाह के नबी ने कहा जो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना होगा। तो जर्जिस क्या कहता है जरा सुनिए। लिखा था इतना बड़ा वो पढ़ा लिखा था कि पूरी दुनिया में उसके बराबर कोई इल्म ही नहीं जानता था, इसलिए कि दुनिया में कोई आदमी वो उलूम नहीं सिखला पाता जो उलूम हमने जिब्राइल को भेज कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिखला दिया। तो मेरा नबी दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा है, और मेरे नबी का अगर कोई उस्ताद है तो जिब्राइल अमीन है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल के जरिए नबी को पढ़ाया। अगर दुनिया का उस्ताद नबी को पढ़ाता तो मेरे भाइयों नबी को एक चीज मालूम होती, लेकिन जिब्राइल अमीन ने पढ़ाया जब अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी को साइंस भी मालूम थी, अल्लाह के नबी को बाद में आने वाले हालात भी मालूम थे। अल्लाह के नबी को किसने पढ़ाया? आवाज समझ में आ रही है ना इसकी? जिब्राइल ने पढ़ाया। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कहता है जिब्राइल है। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कौन है? जिब्रील है। इसको यहीं रख। जरा आप बताएं, पूरी कायनात में अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात और हस्ती है जो नबी को पढ़ा दे? नबी पढ़ने आए थे क्या पढ़ाने आए थे? कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है मैं ही रहमान हूं, सबसे बढ़कर रहम करने वाला। कुरान मैंने नाजिल किया अपने नबी पर, और इंसानियत की जान मोहम्मद को मैंने पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा मैंने अपने हबीब को सिखाया। देवबंदी बोलते सब सिखाया, उर्दू नहीं सिखाया था, उर्दू हमने सिखाई। कुरान दूसरी जगह कहता है वअल्लमा का मालम तकुन तालम, ऐ हबीब जो तू नहीं जानता था वो हमने सब तुझे सिखला दिया, जो भी तू नहीं जानता था हमने सिखलाया। देवबंदी कहते अल्लाह सब सिखलाया, उर्दू छोड़ दिया था वो कोर्स हमने मुकम्मल करवाया। एक कहता है जिब्रील रसूल का उस्ताद, दूसरा कहता है देवबंद के मुल्ला रसूल के उस्ताद। अच्छा क्या उस्ताद ऐसी होते हैं कि एक मरतबा आए तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह अलीफ लाम मीम सूरह बकरा की तफसीर में बयान करते कि जिब्रील आते और ये आयत करीमा लाई। अर्ज किया या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है वही भेजी है। अल्लाह ने कहता है अलीफ प्रकार ने कहा मैं जानता हूं, कलाम हुजूर कहते मुझे मालूम है। कहा रसूल या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है मीम, सरकार फरमाती है तो मुझे पता था। अर्ज के या रसूलल्लाह अलीफ लाम मीम अल्लाह ने मुझे भेजा के अपने हबीब को मेरे हबीब को पहुंचा दो। या रसूलल्लाह ना मैं अलीफ जानता हूं ना लाम ना मीम। सरकार ने कहा जिब्रील सुन, मेरे रब ने मुझसे राज में कलाम किया, गुफ्तगू की, ये वो कलाम है जिसकी रसाई तुझको भी नहीं मालूम, तू भी नहीं जानता, कायनात में मेरे और रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे रब ने मुझसे कहा और मेरे जान लिया। जिब्रील अलीफ लाम मीम ना समझे, ये उस्ताद बना। क्या उस्ताद ऐसी होते हैं कि मेराज की शब आए थे रसूल सो रहे हैं, सो रहे थे ना? अच्छा क्यों सो रहे थे यार रसूलल्लाह, आप तो रोजाना जागते थे, इतना जागते थे सरकार रात भर इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे कि उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूलल्लाह के पाए मुबारक में आपके पैर शरीफ में वरम आ जाता, खून जारी हो जाता। हजरत आयशा कहती मैं अर्ज करती यार रसूलल्लाह क्या अल्लाह ताला ने आपके सबब आपकी उम्मत को नहीं बख्श दिया कि आप अपनी उम्मत की फिक्र में इतना जागते इतनी इबादतें करते? सरकार कहते हैं आयशा अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों का सरदार बना दिया, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? रोज जागते थे रोज इबादत, मगर मेराज की सब सो क्यों गए? अच्छा क्या नबी सोए थे? अगर सोए बोले तो बे आदमी, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है, वहाबड़े इसका इनकार नहीं कर सकते क्योंकि बुखारी को तो बहुत मानते हैं। बुखारी में क्या ये हदीस नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया नबी की आंखें बंद होती है दिल उसका बेदार रहता,
नबी सोता नहीं, नबी गाफिल नहीं होता, तो नबी का दिल बेदार है। जिब्रील आए 70,000 फरिश्तों के साथ आए तो आका तो देख रहे हैं। जिब्रील आए हैं फरिश्तों के साथ है तो आका ने उठना था, कहना था जिब्रील कैसे आना हुआ, तब भी आंखें बंद की हुई क्योंकि नबी को इल्म गैब दिया गया। आका ने हिकमत इख्तियार की, जानते थे आने वाले जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो जिब्रील को मेरा उस्ताद कहेंगे, तो आज मैं बता दूं उस्ताद कौन है, शागिर्द कौन है, मकाम किसका बुलंद है। आका ने आंखें बंद रखी, जिब्रील अर्ज करते यार रसूलल्लाह तेरा हबीब सो रहा है, अगर उठाता हूं तो नींद में खलल आता है, बेअदबी होता हूं, ऐ रब्बे कायनात ना उठाऊं तो तेरे हुक्म की फरमाबरदारी नहीं होगी, तेरा हुक्म है कि मेराज पर लाऊं और तेरे हबीब का हो, यह आलम यह है कि आराम फरमा रहे हैं, आराम में खलल आएगा, बेअदबी होंगी, ऐ खालिक कायनात तू बता क्या करूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील ये काफूरी ठंडी ठंडी आंखें हमने किस लिए पैदा की, कब के लिए पैदा की, आज ही के लिए तो पैदा की, अपनी इन आंखों को हमारे नबी के तलवे पे मस कर। जिब्रील ने तलवे पे अपनी आंखों को रख दिया और नबी मुस्कुराकर सबाने हाल से बता रहे थे देखो जिब्रील को उठाने के लिए मैंने मजबूर इस तरह इसलिए किया कि तुम भी देख लो कि जहां जिब्रील का सर है वहां मेरा कदम है, जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से मेरी इब्तिदा। ये मेरा खादिम है, उस्ताद नहीं।